नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आज फिर से हम बिहार की तीन बड़ी खबरों को लेकर के हाजिर हैं। हम आपको बताएंगे कि तेजस्वी ने जब बीजेपी से सीएम कैंडिडेट के नाम पूछे तो बीजेपी की तरफ से दो दो नेताओं के नाम सार्वजनिक किए गए हैं। दूसरी जो बड़ी खबर है कि तेजस्वी यादव ने आज एक बार फिर से शराबबंदी कानून में संशोधन पर बड़ा तंज कसा है। सीएम की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से सरकार पर हमला बोला है। और तीसरी जो बड़ी खबर है कि बिहार की राजनीति में अचानक चिराग पासवान की पूछ बढ़ गई है। विपक्षी नेता लगातार चिराग से मुलाकात कर मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खबर की शुरुआत बीजेपी के सीएम कैंडिडेट से करेंगे। दरअसल कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला था और कहा था कि 16 सालों से बिहार में एनडीए की सरकार है, बीजेपी जेडीयू की सरकार है, लेकिन आज तक बीजेपी का कोई सीएम कैंडिडेट नहीं हो सका। बीजेपी आज तक एक मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं बना पाई। बीजेपी के पास कोई ऐसा नेता नहीं है जो बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा हो सके। तेजस्वी यादव ने कहा था कि 2005 से लेकर के अब तक बीजेपी बिहार में जेडीयू की पिछलग्गू है, नीतीश कुमार की पिछलग्गू पार्टी बनकर के रह गई है। इसके बाद आज बीजेपी की तरफ से जवाब दिया गया है। जवाब ऐसा कि तेजस्वी यादव एक मुख्यमंत्री का चेहरे की बात कर रहे हैं, हमारे पास तो दो दो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि 2019 में नित्यानंद राय जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष थे उनके नेतृत्व में हमने एनडीए गठबंधन ने 40 में से 39 लोकसभा की सीटें जीत करके दिखाई, तो क्या वे मुख्यमंत्री के चेहरा नहीं हैं? वहीं 2020 विधानसभा चुनाव में बीजेपी एनडीए की सबसे बड़ा घटक दल रही और हमारे पास 74 विधायक रहे। डॉक्टर संजय जायसवाल प्रदेश के अध्यक्ष के नेतृत्व में हमने यह बड़ी जीत दर्ज की। आज सिर्फ 74 नहीं बल्कि वीआईपी के तीन विधायक मिलकर के हमारे पास 77 विधायक हैं और यह सब कुछ हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के नेतृत्व में हुआ है। तो क्या ये मुख्यमंत्री के चेहरे नहीं हैं? बिहार में बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह की तरफ से आज यह स्पष्ट कर दिया गया है कि तेजस्वी यादव जी आप मुख्यमंत्री के चेहरा नहीं बल्कि हमारे पास दो दो मुख्यमंत्री के चेहरे हैं और दोनों का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है। 2020 में नित्यानंद राय ने दिखा दिया, वहीं 2019 में नित्यानंद राय ने और 2020 में हमारे वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने दिखा दिया कि उनमें कितना दम है। तो क्या ये हमारे मुख्यमंत्री के कैंडिडेट नहीं हो सकते हैं? दरअसल यह लगातार चर्चा चलती है कि बिहार में भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं है। तो चेहरे को लेकर के हमेशा बीजेपी बैकफुट पर रहती है, लेकिन इस बार जैसे ही तेजस्वी यादव की तरफ से यह सवाल पूछा गया इसके बाद बीजेपी चुप नहीं बैठी रही। बीजेपी ने साफ कर दिया कि आप चेहरे की बात करते हैं, आप एक सीएम कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, हमारे पास तो दो बड़े नेता हैं और दो सफल नेता हैं, 2019 और 20 में आपको करारी शिकस्त देने वाले नेता हैं, तो ऐसे में आप यह नहीं कह सकते हैं कि हमारे पास कोई सीएम कैंडिडेट नहीं है। हमारे पास दो दो सीएम कैंडिडेट हैं, एक बिहार में अध्यक्ष की कमान संभाले हुए हैं, दूसरे 2019 में अपार सफलता के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार ने उन्हें गृह राज्य मंत्री बनाया है, तो वैसी स्थिति में हमारे पास मुख्यमंत्री के चेहरे की कमी नहीं है। तो इस तरीके से बीजेपी ने आज तेजस्वी यादव को जवाब दिया है और यह बता दिया है कि हमारे पास चेहरे की कोई कमी नहीं है। इसी के साथ लगे हाथ जेडीयू को भी बता दिया है कि आप यह भूल में नहीं रहिए, हमारे पास नेता की कोई कमी नहीं है, हमारे पास अगर संगठन है तो नेता भी होंगे, ऐसा बीजेपी की तरफ से मैसेज दे दिया गया है। दूसरी जो बड़ी खबर की हम बात करेंगे कि बिहार में शराबबंदी में एक कानून में एक बार फिर से संशोधन किया गया है। उच्च हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद नीतीश सरकार जागी और इसके बाद एक बार फिर से इस कानून में संशोधन किया गया है। नीतीश सरकार ने यह तय किया है कि अब पीने जो शराब पीकर के पहली दफा अगर पकड़े जाते हैं तो अब हम उन्हें जेल नहीं भेजेंगे, इसके लिए उन्हें जुर्माना लगा करके छोड़ दिया जाएगा।
कल नीतीश कैबिनेट की तरफ से जुर्माने की राशि भी तय कर दी गई और कहा गया कि अगर पहली बार शराब पी करके आप पकड़े जाते हैं तो आपको मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश होना होगा और 2000 से लेकर के 5000 तक की राशि जुर्माना आप पर लगाई जाएगी। अगर आप जुर्माने की राशि अदा कर देते हैं तो आपको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन आपका अधिकार नहीं होगा। अगर आप गलत करते हैं, एक बार से अधिक बार पकड़े जाते हैं, तो आपको कतई नहीं छोड़ा जाएगा, आपको जेल भेजा जाएगा। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर पहली दफे कोई पीता है तो हम उसे जेल नहीं भेजेंगे, अगर उसका व्यवहार ठीक होता है तो उसे जमानत दे दी जाएगी, बशर्ते आपको जुर्माने की राशि जो मजिस्ट्रेट जुर्माने की राशि तय करेंगे उस आधार पर आपको पैसा देना होगा, जुर्माने की राशि अदा करनी होगी, तो इस तरीके से आपको जमानत मिल जाएगा। सरकार के इस फैसले पर, इस निर्णय पर आज तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोला है और कहा है कि ये कैसी शराबबंदी है, आप शराब माफियाओं पर अंकुश तो लगा नहीं रहे हैं, अगर बिहार में शराब मिलेगा ही नहीं तो लोग पियेंगे कैसे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार ने कई दफे शराबबंदी कानून में संशोधन किया है, इतनी दफे संशोधन हो गया कि अब तो पता भी नहीं चल पा रहा है कि कब कब संशोधन हुआ है, हमें तो अब याद भी नहीं है। तो इस तरीके से तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की शराबबंदी की पोल खोल दी है, शराबबंदी को ढकोसला करार दिया है और कहा है कि बिल्कुल ही शराबबंदी कानून बिहार में फेल है, हर जगह घर घर शराब, गांव गांव में शराब की सप्लाई हो रही है और सरकार और सिर्फ खानापूर्ति कर रही है। अब एक बार फिर से शराबबंदी कानून में संशोधन करके या मैसेज देने की कोशिश की है कि हम पीने वालों को जुर्माना लेकर छोड़ेंगे, लेकिन हकीकत यही है कि शराबबंदी नाम की कोई चीज बिहार में नहीं है। वहीं उन्होंने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर हमला बोल, उनसे पूछा गया कि आज AK-47 से सिवान में विधान परिषद के जो कैंडिडेट थे रईस खान, उन पर हमला किया गया है, उसमें उस घटना में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। इस पर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला बोला और कहा कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं हो, मुख्यमंत्री पर हमला हो जाता हो और उस बड़ी वारदात में किसी पुलिस अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं होती हो तो समझ सकते हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। जिस राज्य में मुख्यमंत्री पर हमला हो जाता है, मुख्यमंत्री की सुरक्षा देने में यहाँ की पुलिस सक्षम नहीं है, तो वैसी पुलिस से आप क्या अपेक्षा करते हैं। सिवान में आज घटना घटी है, कल दूसरे जिले में घटना घटेगी, पटना में भी आए दिन लगातार आपराधिक वारदात हत्या की घटना हुई है, लेकिन पुलिस और सिर्फ खानापूर्ति करती है। बिहार में सुशासन का राज खत्म हो गया है, राक्षस राज आ गया है। तो इस तरीके से तेजस्वी यादव ने आज एक बार फिर से नीतीश कुमार की शराबबंदी और लॉ एंड ऑर्डर पर बड़ा हमला बोला है। और तीसरी जो बड़ी खबर की हम चर्चा करेंगे वो चिराग पासवान से जुड़ी हुई खबर है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से चिराग पासवान की पूछ बढ़ गई है। कहा जा रहा है कि उनकी नज़दीकी राजद से हो रही है, राजद से नज़दीकियाँ हाल के दिनों में बढ़ गई हैं। कल राजद के वरिष्ठ नेता श्याम रजक उनके आवास गए थे, उनसे मुलाकात की थी और इसके बाद अगले दिन यानी कि आज पप्पू यादव ने चिराग पासवान से मुलाकात की है। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से दिल्ली में चिराग पासवान का बंगला खाली कराया गया, उनके सामान को फेंक दिया गया, उसके बाद से इस पूरे प्रकरण को विपक्षी सदस्य भुनाने की कोशिश में जुटे हैं। जीतन राम मांझी से लेकर कई अन्य जो नेता हैं वे उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि जिस बीजेपी को राम मानते थे चिराग पासवान, उनके सामान को ही सड़कों पर फेंक दिया गया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के साथ अपमान किया गया, रामविलास पासवान की फोटो को फेंक दिया गया, यह पूरे तौर पर दलितों का अपमान है। तो इस तरीके से दलित भावना को उभार करके कहीं ना कहीं बिहार में JDU और BJP को शिकस्त देने की तैयारी है। अभी बोचहा में उपचुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर राजद VIP और BJP के बीच त्रिकोणात्मक मुकाबला है, तो इस लिहाज से चिराग पासवान को साधने की कोशिश राजद की तरफ से की जा रही है। हालांकि चिराग पासवान की तरफ से वहाँ हाजीपुर जो में जो विधान परिषद के चुनाव हुए वहाँ पर राजद सदस्य को समर्थन दिया गया, इससे इस बात की पुष्टि होती है कि कहीं ना कहीं अब नज़दीकी जो है चिराग पासवान की नज़दीकी RJD से बढ़ती जा रही है। दिल्ली में जो प्रकरण हुआ, बंगला खाली करने का जो विवाद हुआ, उसके बाद चिराग पासवान अब सीधे तौर पर कहीं ना कहीं BJP को निशाने पर ले रहे हैं।
पटना जब वे पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हमें बिहार, हमें अपने बंगले की चिंता नहीं है, बल्कि हमें तो बिहार की जनता की चिंता है। बिहार में जिस तरीके से अराजकता, अपराध तंत्र, अपराधियों का साम्राज्य है, तो हमें बिहार के लोगों की चिंता है। तो इस तरीके से चिराग पासवान, जो 2020 विधानसभा चुनाव के बाद जिनकी स्थिति पूरी तरीके से खराब हो गई थी, एक बार फिर से विपक्षी सदस्य उनको लुभाने की कोशिश में जुटे हैं। खबर तो यही है कि आने वाले दिनों में चिराग पासवान का साथ आरजेडी का साथ हो सकता है, दोनों के बीच में बातचीत आगे बढ़ सकती है, ऐसी चर्चा है। क्योंकि हाल के दिनों में तेजस्वी यादव से लेकर के उनके अन्य नेता लगातार चिराग पासवान से नज़दीकी बढ़ाने की जुगत में जुटे हैं। तो ये तीन बड़ी खबरें थी, तीनों के बारे में हमने आपको विस्तार से बताया। कल फिर से बड़ी खबरों को लेकर के हम हाजिर होंगे, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।